नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी एंगुलर 2 का प्रोजेक्ट है, ये को उस प्रोजेक्ट को आप किस तरीके से एंगुलर 2 से एंगुलर 4 के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट क्या होता है कि जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हो यूजिंग एंगुलर CLI, तो उस कंडीशन में वो एंगुलर 2 का प्रोजेक्ट बनाता है। तो चलिए आज अपन इसे देखते हैं। सबसे पहले मुझे इसके लिए करना क्या पड़ेगा, मैं कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करता हूँ। कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद मुझे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और उसके लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन है जिस लोकेशन पे मैं इसे क्रिएट करना चाहता हूँ। तो वो मेरी लोकेशन है एंगुलर डेस्कटॉप पे एंगुलर 4, और यहाँ पर मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ। तो पहले मुझे उस लोकेशन तक पहुँचना होगा जिस लोकेशन पे मुझे ये प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, CD कमांड का यूज़ करूँगा, ठीक है। और CD कमांड के बाद यहाँ पर मैं पहुँच गया। अब मुझे करना क्या होगा कि एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा ng new और प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है। तो ng new second आपने लिखा, तो इससे क्या होगा कि सेकेंड नाम से एक प्रोजेक्ट क्रिएट होगा जिस पर आप अपना काम कर सकते हैं। अब इसके बाद आप एंटर मारिए जिससे ये नया प्रोजेक्ट क्रिएट करेगा। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा, जब तक मैं थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये NPM के थ्रू कुछ आपके जो डिपेंडेंसीज होती हैं उनको डाउनलोड करके इंस्टॉल करेगा। एक चीज़ को आप एक बार कंफर्म कर लें कि आपके PC के अंदर इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, अदरवाइज आपका ये पैकेज इंस्टॉलेशन या बोलें अपग्रेडेशन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा और हो भी नहीं पाएगा, ठीक है। दोस्तों कुछ समय बाद आपके सामने ये मैसेज आ जाएगा, और जब तक ये मैसेज नहीं आ जाए जब तक आप थोड़ा वेट करें। और आपके प्रोजेक्ट के अंदर अगर मैं इस फाइल को देखूं, तो आप देखें जितनी भी फाइल्स थी वो सारी की सारी यहाँ क्रिएट हो चुकी हैं। अब मुझे करना क्या है, जब ये मेरा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाता है तो मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसमें अभी कौन सा वर्जन ये यूज़ में ले रहा है। तो उसको चेक करने के लिए ng और -v का आप यूज़ करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो अभी ये वर्जन यूज़ कर रहा है वो आपका CLI 1.000 बीटा और 28.3 है। एक्चुअल में ये इस पर्टिकुलर एंगुलर 4 प्रोजेक्ट पे जाके सिर्फ चेक कर रहा है। तो आपको करना क्या है, CD कमांड लगा के और सेकंड पे जाना है, ठीक है ना। पहले आप CD कमांड से सेकंड पे जाइए, आप वापस से यहाँ लिखिए ng-v, और फिर उसके बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पता चल जाएगा कि अभी ये कंपाइलर 2.4.10 ले रहा है, कोर 2.4.10 ले रहा है। इसका मतलब अभी भी ये एंगुलर 2 का ही यूज़ कर रहा है। तो एंगुलर 4 पर पहुँचने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आप इसी डायरेक्टरी के अंदर जाके इसे अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो अपग्रेड करने के लिए मैं एक कमांड आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप डायरेक्टली उस कमांड को लिख के यहाँ पर अपग्रेड हो जाएंगे। उस कमांड को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। आप इसे लिखेंगे इस तरीके से, तो और फिर एंटर करेंगे, तो उसके बाद ये जो आपका प्रोजेक्ट होगा ये कुछ जो भी डिपेंडेंसीज हैं उनको ऑनलाइन डाउनलोड करेगा, और उसके बाद आपका जो प्रोजेक्ट है वो एंगुलर 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, ये भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा। अब देखिए ये आपका सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। अब मैं वापस से जाके क्या करता हूँ कि यहाँ कमांड को लिखता हूँ ng-v, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये इसने क्या अपडेट किया है नहीं किया। तो थोड़ा सा वेट करें, और आप देखें यहाँ पर जितनी भी लाइब्रेरीज थी आपके एंगुलर 4 के लिए वो सारी की सारी डाउनलोड हो सकती हैं, हो चुकी हैं, और जितना भी कंपाइलर वगैरह की इन्फॉर्मेशन थी वो भी अपग्रेड हो चुकी है। अब आपका जो प्रोजेक्ट है वो एंगुलर 4 के ऊपर बेस्ड है, एंगुलर 4 में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, और मैं काफ़ी सारे एंगुलर 4 के अंदर वीडियोज़ बनाने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।